आज हम आपको बताएंगे भारत का फर्स्ट रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट किया गया था। रिपब्लिक डे की कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था। वही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। साल 2024 में भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। लेकिन 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 31 तोपों की सलामी दी गई थी और फिर 1971 से 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी है। मीटिंग रिट्रीट के दौरान अवार्ड विधि बजाया जाता था, लेकिन साल 2022 में केंद्र सरकार ने गाना बदल दिया और उसकी जगह पर एमएनए वतन के लोगों बजाया जाने लगा। आपको बता दें कि रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाले दल जुलाई से नवंबर तक अपने रेजिमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। दिसंबर में वो सब दिल्ली आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। परेड में भाग लेने वाले दस्ते मध्य रात्रि 2 बजे तैयार होकर सुबह 3 बजे कर्तव्य पथ के लिए पहुँच जाते हैं। वही गणतंत्र दिवस परेड में दिखाए जाने वाली झांकियाँ 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, ताकि लोग उन्हें आराम से देख सके। साल 2018 में पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस सेना के जवानों ने भाग लिया था। आजकल देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी से पहुंचते हैं, लेकिन कुछ साल पहले राष्ट्रपति खुली बग्घी से परेड ग्राउंड में पहुंचते थे। तो ये थी गणतंत्र दिवस की अहम जानकारियां। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी मैंने, मेरा नाम है नौशीन। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए लेट न्यूज़। शुक्रिया।